एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रियंका शर्मा। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं माय समर हेयर केयर रूटीन। समर स्किन केयर रूटीन मैं आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूं, जिसकी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर नहीं देखी है तो प्लीज देख लेना, उसमें मैंने आपके साथ स्किन केयर से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की है। तो ये बात हो गई समर स्किन केयर रूटीन की। नाउ लेट्स सी समर हेयर केयर रूटीन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू शेयर दिस प्रोडक्ट विद यू ऑल। ये है वुडन कॉम, और मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था कि ये प्लास्टिक की कॉम से काफ़ी बेटर होती है। इससे ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छे से होता है और जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी स्कैल्प में अच्छे से होता है। दैट्स वाई आई ऑर्डर्ड इट, और इसे यूज़ करते हुए मुझे एक या दो वीक्स हो चुके हैं एंड आई लाइक इट अ लॉट। और यू नो, बालों की अच्छी ग्रोथ में कॉम का एक बहुत बड़ा रोल होता है, और जब हमें पता है कि वुडन कॉम से हमें ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं, सो वाई नॉट, वी शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। और ये बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं होते, बट इनके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। समर सीजन है तो हमें अपने बालों पर 2 से 3 बार तक कॉम ज़रूर करनी चाहिए। एक तो इससे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, और दूसरा गर्मियों के मौसम में यू नो, बालों में बहुत ज़्यादा पसीने पड़ते हैं, तो अगर हम बार बार कॉम करते हैं इससे काफ़ी अच्छा फील होता है, काफ़ी फ्रेश फील होता है। तो समर सीजन में मैं अपने बालों पर एक दिन में 2 से 3 बार कॉम ज़रूर करती हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑयलिंग की। तो समर सीज़न हो या विंटर सीज़न, मैं अपने बालों को यू नो, ऑयलिंग के बगैर कभी भी वॉश नहीं करती हूँ। इट्स लाइक अ रूल फॉर मी। तो मैं अपने बालों पर बहुत सारे ऑयल्स को मिक्स करके लगाती हूँ। अगर आप मेरी वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता ही होगा, बट अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूँ, मैं यूज़ करती हूँ ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल और कोकोनट ऑयल, और इसमें मैं विटामिन ई ऑयल ऐड करती हूँ, और कभी कभी आमंड ऑयल भी इसमें ऐड करती हूँ। और तेल को हमें थोड़ा गर्म करना होता है ताकि तेल हमारे स्कैल्प में अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके, बट इसे हम डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट हीट पर गर्म नहीं करेंगे। तेल को गर्म करने के लिए गैस का फ्लेम स्विच ऑन करके एक पैन रख लें और इसमें डाल दें थोड़ा सा पानी। जब पानी उबल जाए तो गैस का फ्लेम स्विच ऑफ कर लें। अब तेल का बोल इस गर्म पानी में रख लें और तेल को हल्का गर्म होने दें। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। जैसे ही तेल हल्का गर्म हो जाता है इसे पानी से निकाल दें। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करती हूँ एलोवेरा जेल। तो मैं यहाँ वाओ का एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं या किसी और ब्रांड का भी यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जेल हमारे बालों में मॉइस्चर लॉक करने में हेल्प करता है, और अगर आपके स्कैल्प में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो भी ठीक हो जाती है। तो अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें, और इसी के साथ ही ऑयल एप्लीकेशन के लिए बिल्कुल रेडी है। तेल लगाने से पहले अपने बालों को डीटेंगल करना बिल्कुल ना भूलें, और पहले अपने स्कैल्प पर और फिर अपनी पूरी लेंथ पर तेल अप्लाई करें। और एंड्स पर मैं ऑयल भर भर के इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम आ जाती है। तो स्प्लिट एंड्स ना हो इसलिए बालों के एंड्स पर तेल लगाना बहुत ज़रूरी है। और जब आप अपने पूरे बालों पर तेल अप्लाई कर लेंगे तो अपने स्कैल्प की 3 से 4 मिनट तक आपको अच्छे से मसाज करनी है। इससे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, जिससे हेयर ग्रोथ प्रमोट होती है। अक्सर हम क्या करते हैं, स्कैल्प का जो आगे वाला हिस्सा होता है उसकी मसाज हम काफ़ी अच्छे से करते हैं, बट स्कैल्प का जो पीछे वाला हिस्सा होता है, नेक से ऊपर वाला हिस्सा, उसकी मसाज हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आप थोड़ा सा तेल अपनी पाम्स पर ले लें और अपने बालों को अपसाइड डाउन कर लें, और उसके बाद इस एरिया की अच्छे से मसाज करें। मैं 1 वीक में 2 बार हेयर वॉश करती हूँ, और 1 बार हेयर वॉश करने से पहले मैं तेल को 2 या 3 घंटों तक अपने बालों पर लगा रहने देती हूँ, और दूसरी बार मैं ओवरनाइट तेल को अपने बालों पर लगाकर सो जाती हूँ। अगर आप रात को अपने बालों पर तेल लगाकर सोते हैं ना, तो इससे हेयर ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। आप भी ट्राई करना, आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं शैम्पू की। तो आप कोई भी शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्केट में इतनी सारी वेराइटीज़ अवेलेबल हैं, बट ध्यान रखें कि आप जो भी शैम्पू यूज़ कर रहे हों वो पैराबन फ्री हो। और शैम्पू को डाइल्यूट करके अपने बालों पर इस्तेमाल करें, मतलब एक मग में या किसी कंटेनर में थोड़ा सा पानी ले लें और उसमें डाल दें थोड़ा सा शैम्पू, जो भी शैम्पू आप यूज़ कर रहे हैं, और अच्छे से इसे पानी में मिक्स कर लें, झाग बना लें, और इसके बाद इसे अपने बालों पर अप्लाई करें। ऐसा करने से होगा क्या, इट विल रिड्यूस हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिकल्स इन शैम्पू, और हमारे बालों को कम नुकसान पहुँचेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, समर सीजन में बाल धोने के लिए ठंडा पानी इस्तेमाल करना चाहिए। इससे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और हेयर ग्रोथ प्रमोट होती है। इसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक वंडरफुल हेयर रिंस, जिसे मैं हर बार बाल धोने के बाद अपने बालों पर अप्लाई करती हूँ। तो इस हेयर रिंस को बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे चावल। तो मैं यहाँ 1/4 कप चावल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो 2 या 3 चम्मच चावल भी ले सकते हैं। अब सबसे पहले इन्हें अच्छे से धो लेंगे, और चावल धोने के बाद ये जो पानी है ना, इसे वेस्ट ना करें, इसे आप पौधों में दे दें, इससे पौधों की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। तो हमारे घर में जब भी चावल बनते हैं, चावल धोने के बाद जो पानी बच जाता है उसे हम पौधों को दे देते हैं।
और ये जो धुले हुए चावल हैं इसमें हम डाल देंगे पानी और इन्हें ओवरनाइट एज इट इज़ छोड़ देंगे और नेक्स्ट मॉर्निंग हम चावलों को पानी से अलग कर देंगे। ये जो पानी है ये अगर आप अपनी स्किन पर यूज़ करते हैं तो इट्स अ वंडरफुल स्किन टोनर, आपकी पोर्स टाइट हो जाएंगे, आपकी स्किन ब्राइट हो जाएगी और जब आप इसे अपने स्कैल्प पर अपने बालों पर इस्तेमाल करते हैं तो ये बालों का वॉल्यूम बढ़ाता है, हमारे बालों में बहुत ही अच्छी शाइन लाता है, हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जिस वजह से अगर आपके स्कैल्प में कोई प्रॉब्लम चल रही है जैसे डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक हो जाती है। तो जब भी आप हेयर वॉश करते हैं, हेयर वॉश करने के बाद आपको ये थोड़ा थोड़ा करके अपने बालों पर अप्लाई करना है, एक साथ सारा ना उडेल दें तो ये अच्छे से अप्लाई नहीं हो पाएगा, तो आपको इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके इसे अपने बालों पर डालना है और इसके बाद आपको नॉर्मल वाटर से बाल नहीं धोने हैं। बाल धोने के बाद मैं अपने गीले बालों को 5 से 10 मिनट तक माइक्रोफाइबर टॉवल में रहने देती हूँ। ये टॉवल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और इनसे बाल बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं। टॉवल चाहे जितना मर्जी सॉफ्ट हो बट बालों को टॉवल से कभी भी रब नहीं करना चाहिए और ना ही झाड़ना चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होता है। तो बालों को नेचुरली सूखने दें और बाल सुखाने के लिए ड्रायर का इस्तेमाल भी ना करें। इसके अलावा मैं एक महीने में दो बार अपने बालों पर हेयर पैक भी इस्तेमाल करती हूँ जिसके लिए मैं यूज़ करती हूँ कर्ड। आप क्वांटिटी अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग ले लें और इसके बाद मैं इसमें ऐड करती हूँ एग और साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा हनी भी ऐड करती हूँ। इन तीनों इंग्रेडिएंट्स के अलावा आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई ऑयल भी इसमें ऐड कर सकते हैं बट मैं ऑलरेडी इतनी ज़्यादा ऑयलिंग करती हूँ इसलिए मैं इसमें ऑयल ऐड नहीं करती हूँ। बस मैं इन तीनों चीज़ों को अच्छे से विस्क करके अपने स्कैल्प पर, अपनी पूरी लेंथ पर अच्छे से अप्लाई करती हूँ। चाहे आप अपने बालों पर ऑयल इस्तेमाल करें या फिर कोई पैक बनाकर इस्तेमाल करें बट बालों के एंड्स पर प्रोडक्ट को यूज़ करना बिल्कुल ना भूलें, इससे स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आती है। इस पैक को मैं अपने बालों पर हाफ एन आवर तक लगा रहने देती हूँ। इस पैक में जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए हैं वो सभी हमारे बालों को थिक, हेल्दी और शाइनी बनाते हैं और समर सीज़न है तो जब ये ठंडा ठंडा पैक, ठंडी ठंडी दही हमारे बालों पर लगती है ना तो मज़ा भी बहुत आता है। हाफ एन आवर के बाद मैं हेयर वॉश करती हूँ और हेयर वॉश करने के लिए मैं पहले नॉर्मल वाटर का इस्तेमाल करती हूँ। पहले मैं सारा प्रोडक्ट नॉर्मल वाटर से ही वॉश करती हूँ और उसके बाद मैं शैम्पू का इस्तेमाल करती हूँ। ऐसा करने से जो एग की स्मेल होती है ना वो चली जाती है। इस पैक को इस्तेमाल करने के बाद अगर पानी से पहले अच्छे से प्रोडक्ट को हम नहीं निकालते हैं तो एग की जो स्मेल होती है ना वो बालों में ही रह जाती है और आप समझ ही सकते हैं गर्मियों के मौसम में स्मेल कितनी ज़्यादा फैलती है। तो अगर आप ये पैक यूज़ कर रहे हैं पहले अपने बालों को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लें और उसके बाद आप शैम्पू का इस्तेमाल करें। इसके अलावा मैं एक और बहुत ही सिंपल सा काम करती हूँ, मैं हर रात को सोने से पहले अपने स्कैल्प की 1 से 2 मिनट तक अच्छे से मसाज करती हूँ। एंड आई थिंक यू ऑल नो दैट कि स्कैल्प को मसाज करने से क्या होता है, इससे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है जिससे हेयर ग्रोथ प्रमोट होती है और हाँ इससे नींद भी बहुत अच्छी आती है, आप भी ज़रूर ट्राई करना। और आजकल तो मुझ पर वुडन कॉम का खुमार छाया हुआ है, मैंने जब से ये कॉम ली है ना मुझे इससे कंघी करने का बड़ा मज़ा आता है और मैं हर रात को सोने से पहले भी इसे यूज़ करती हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है। सो आई थिंक मैं इसे कंटिन्यू करने वाली हूँ और इन केस अगर आपको इसका ये प्रोडक्ट यूज़ करना है, ये प्रोडक्ट परचेज करना है तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इसके बाद मैं बालों को बांध लेती हूँ और रात को बालों को बांधने के लिए मैं यूज़ करती हूँ स्क्रंचीज़ क्योंकि इससे बाल बहुत कम पुल होते हैं और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी होती हैं। और इसके बाद मैं बनाती हूँ पोनीटेल और फिर आराम से सो जाती हूँ। अगर हम खुले बालों के साथ सोते हैं ना तो बाल बहुत ज़्यादा रब होते हैं जिससे बालों को नुकसान पहुंचता है, तो रात को सोने से पहले आप भी इस तरह से बालों को बांध कर ही सोएं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक सी बात, आप जिस तकिए पर सोते हैं ना वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, तो आप 3-4 दिनों के बाद या तो बेडशीट चेंज करें, बेडशीट ठीक ठाक कंडीशन में है तो आप तकिए का कवर चेंज कर लें क्योंकि तकिया जो होता है ना वो पूरा दिन बेड पर पड़ा रहता है, उसे और कोई काम नहीं होता और इस पर काफ़ी ज़्यादा धूल लग जाती है, फिर हम चाहे जितना मर्जी धूल को झाड़ लें पूरी तरह से धूल इससे नहीं जा पाती है जो हमारे स्कैल्प के लिए अच्छी नहीं होती। और इसके अलावा मैं योगा भी करती हूँ और कुछ एक ऐसे योगासन हैं जिसमें ब्लड फ्लो हमारे सिर की तरफ जाता है जैसे शीर्षासन, चक्रासन, उष्ट्रासन या प्लो पोज, तो इन योगा पोजेस को करने से हेयर ग्रोथ प्रमोट होती है और इन सभी योगा पोजेस के वीडियोस मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी बना चुकी हूँ जिनके लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको ये इन्फॉर्मेटिव ही लगा, अगर लगा तो प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।